छतरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खटगाय में गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर संदीप जी आर को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। जब मीडिया की टीम ने मामले की पड़ताल की तो ग्राम पंचायत खटगाय के ग्रामीणों और सरपंचों ने माया शर्मा और उनके पुत्र सुनील शर्मा के द्वारा आम रस्ते एवं व्यायामशाला की भूमि पर अवैध कब्जा करने की बात कही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत खटगाय में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेवा समिति ग्राम विकास के लिए समझदार ग्राम खटगाय के राम सजीवन शर्मा, गैदीन यादव, पूर्व सैनिक फूला यादव, राम नरेश शर्मा ने अपनी पैतृक जमीन में से एक एक प्लाट नीम वाली बकरी बधुआ के पास व्यायामशाला बनाए जाने के लिए दान पत्र के माध्यम से दान की थी, जिस पर व्यायामशाला बनाई जानी थी। लेकिन गांव के ही माया शर्मा और उनके पुत्र सुनील शर्मा द्वारा उक्त जमीन पर मकान का अवैध निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत खटगाय के सरपंच धनी राम अहिरवार ने बताया कि आम रस्ते एवं प्लाट पर अतिक्रमण की बात बिल्कुल सही है। वहीं पूरे मामले में माया शर्मा और उनके पुत्र का कहना है कि यह उनकी पैतृक जमीन है और उनकी झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर उपरोक्त गंभीर मामले में अब देखना होगा कि ग्राम खटगाय की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा के मामले में जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, यह बड़ा सवाल है। शर्मा जमींदार खटगाय, आपके खटगाय में जो है मंदिर समिति के द्वारा कुछ लोगों द्वारा दान पत्र के माध्यम से व्यायामशाला का प्रस्ताव रखा गया था जी, उसमें एक आवेदन जनसुनवाई में प्राप्त हुआ है कि इसमें कुछ लोग व्यवधान डाल रहे हैं। जी व्यवधान डाल रहे हैं जी, क्या मामला है जी? सब जी जमीन ज्ञादीन यादव, फूला यादव और दनादन और जे नाम राम नरेश, ये चार पांच आदमी की जमीन थी जो इन लोगों ने दान में दे दी वो कि व्यायामशाला यहाँ बन जाए। लेकिन वो सुनील शर्मा, उनकी मम्मी, जे तीन चार भाई हैं, तीन भाई हैं ये लोग उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती इनने पिलर बना के खड़ी कर दिए, दीवारें बना दी और कब्जा कर रहे हैं। तो गांव वालों ने ज्ञापन दिया है, क्या मांग करते हैं जी? तो यही मांग कर रहे हैं कि वो बन जाए, लेकिन भी ज़बरदस्ती कब्जा बनाए फिर रहे। कौन कर रहा है भाई? वो सुनील हैं, सुनील माया देवी ये लोग। बाकी वो दान पत्र की है? दान पत्र की है, उनका कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, नहीं उनका कुछ नहीं। तो उसमें व्यायामशाला बननी चाहिए? जी बननी चाहिए। धन्यवाद दादा। क्या नाम है? मेरा धनी राम अहिरवार, ग्राम पंचायत खड़गांव सरपंच हूँ वर्तमान। और अभी आपके गांव वालों ने 10 तारीख को जनसुनवाई में आवेदन दिया है जी, कि आम बड़ी बेर पर जाने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण हो रहा है जी। वहाँ पर बिल्कुल अतिक्रमण है, वहाँ जो कि नाली का पानी बहने की रास्ता जाने के लिए वहाँ नहीं है। कुल मिला के बात है, उस साइड दनादन महाराज की जमीन बाउंड्री लगी हुई है, इधर मान लो खदानें थी, वो वहाँ शर्मा जी है ना कब्जा करके बैठे, तो वो जमीन रोड ही पे पानी बह रहा, आगे जाने के लिए पिपौरा के लिए रास्ता है ही नहीं जी। मतलब क्या नाम है आपका? माया देवी। आपके जन सुनवाई में गांव वालों ने आवेदन दिया है कि आपके द्वारा बड़ी बेर पर जाने वाले सकरा पर आम रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है, क्या मामला है? नहीं हम नहीं कर कुछ किया और हमारी जवाजती छुड़ा रहे आदमी, आप देख लग गया है। और गांव के लखन शर्मा और फूला शर्मा यादव के पूरे की जमीन पर भी कब्जा कर? हम नहीं कहें किसी की नहीं कहें, हम अपनी ही लें, हमारी छुड़ाई फिर फूले यादव और लखन शर्मा सब हम पर लगे। एक और आप पे आरोप है कि गांव वालों से आप गाली गलौज के से बात करती हैं और उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हैं, क्या सच्चाई है इसमें? झूठी बोल रहे, हम हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो भगवान है ऊपर आए भी कहे नहीं आए, गांव वाले नहीं है हमारे ऊपर वाले हैं, अकेले हैं हमारे ने पूरा गाँव उनता भी और हम अकेले हैं। आपके जो पति थे उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई? गाँव वाले ने मार डालो और गाँव वाले ने मार के टांग दो, हम से लिखी है सो धरो है कागज और थाने में धरो। ये जो कब्जे की शिकायतें हैं गाँव वालों ने कहा है, आप ने कोई शिकायत की इनकी? हम हमारी थाने से हैं, वो कलेक्टर लो है, करिए आप क्या चाहते हैं? हमारी जैसी बन रही ना, हमें किसी की चाहना है और ना अपनी किसी है देने भी, हमें अंत दे प्लाट हमें ना उनको अंत चाहने है ना हमारे से जहाँ है जहीं चाहने हैं। ये सही है कि वो हमारे गांव वालों के द्वारा दान की हुई जमीन है, इस पर गांव वाले और हम लोग सब लोग मिलकर व्यायामशाला बनाने जा रहे हैं, व्यायामशाला की इसमें तैयारी है।
उसमें हमारे ही परिवार की वो चाची हैं, हमारे ही भाई हैं, उनकी कुछ मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा उस पर कुछ अपना कब्जा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।